गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल बना हमास का हेडक्वार्टर। जमीन के ऊपर अस्पताल, जमीन के नीचे हमास का कमांड सेंटर। इजराइल ने ढूंढ निकाला पाताल में छिपा हमास का असली अड्डा। इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अल शिफा हॉस्पिटल को बनाया पहला टारगेट। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में इन दिनों करीब 40,000 लोगों की भीड़ जमा है। इस भीड़ में मरीज भी हैं, घायल लोग भी हैं, बेघर और बेसहारा लोग भी हैं, और इन्हीं फिलिस्तीनी लोगों के बीच छिपे हैं हमास के हजारों लड़ाके। इजराइल की भीषण बमबारी से बचने के लिए हमास के लड़ाकों ने इसी भीड़ में शरण ली है, क्योंकि हमास को पता है कि पूरे गाजा में एक यही वो जगह है जहां इजराइल चाहकर भी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, तब अमेरिका भी इजराइल का साथ नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमास चाहता है कि इजराइल अल शिफा अस्पताल पर बम बरसाए और 40,000 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया जाए। लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने हमास के इस साजिश को बेनकाब कर दिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को हमास का हेडक्वार्टर बताया है। इजरायली सेना का दावा है कि हमास इसी अस्पताल से अपनी आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा है। इजरायली सेना ने इस अस्पताल में हमास के हेडक्वार्टर का बाकायदा एक 3D मैप जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि अस्पताल की इमारत के ठीक नीचे हमास ने अंडरग्राउंड ऑपरेशन बेस बना रखा है। इजरायल की सेना का दावा है कि उसके पास ऐसी खुफिया जानकारी है कि अस्पताल के बाहर से अंडरग्राउंड बेस तक जाने के लिए कई सुरंगें बनाई गई हैं, ताकि हमास के अधिकारियों को अस्पताल के अंदर न जाना पड़े। दावा यह भी है कि अस्पताल के एक वार्ड से अंडरग्राउंड जाने का रास्ता भी बनाया गया है। इसके सबूत के तौर पर इजराइल ने कुछ ऑडियो और वीडियो भी जारी किए हैं और बताया है कि आतंकी अभी तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल आसानी से जाते देखे गए। Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. This is an illustration of Shifa Hospital and the underground facilities. I want to repeat, this is only an illustration. डैनियल हगारी ने टीवी स्क्रीन पर अस्पताल की लोकेशन दिखाते हुए बताया कि अल शिफा अस्पताल में मरीजों के लिए 1500 बेड्स हैं और 4000 स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं। इजराइल ने अल शिफा अस्पताल के पूरे कैंपस में हमास के कंट्रोल और इस्तेमाल वाली इमारतों को चिन्हित कर लिया है। पूरी दुनिया को इसके बारे में साफ साफ बता दिया है। The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using, meaning he does his command and control in different departments of the hospital, like the Rengen room and others. He uses these places in order to do command and control for terror activities, launching rockets, etc., etc. It is here in Shifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where the direct rocket attacks command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital, you can go into an underground tunnel that will provide you shelter.
इसराइल ने हमास को चुनौती दी है कि अस्पताल से बाहर निकले और मरीजों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। लेकिन हमास के कायर लड़ाके जानते हैं कि अस्पताल से बाहर आने का मतलब है बेमौत मरना, क्योंकि जैसे ही आतंकी अस्पतालों से बाहर आएंगे और आम नागरिकों से दूर होंगे, वैसे ही इसराइल का हेरॉन ड्रोन उनकी लोकेशन बता देगा, जिसके बाद उन आतंकियों पर इसराइल इतने बम बरसाएगा कि वहीं उनकी कब्र बन जाएगी। इसीलिए हमास के आतंकी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में पनाह लिए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसराइल इस अस्पताल पर कभी एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, और अगर इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए अल शिफा अस्पताल पहुंच भी गया तो उसे वहां हमास का एक भी लड़ाका नहीं मिलेगा, क्योंकि अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों से होते हुए वो सभी आतंकी भाग निकलेंगे।